बहराइच में भेड़िया, लखीमपुर में बाघ और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेंदुआ, ये तीनों जंगली जानवर वन विभाग को छका रहे। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई इस तेंदुए की कहानी बताते हैं। तेंदुआ झाड़ियों से झांकता हुआ दिख रहा है, सामने बंदूक लिए वन विभाग का जवान, लेकिन बेहोश करने वाली गोली चलती है और तेंदुआ उसे चकमा दे देता है। ए! 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 तेंदुआ झाड़ियों में घुस चुका है और बाहर वन विभाग की टीम पहरा दे रही है। असल में सुबह सुबह चंद्रपुर के बिनवा गेट इलाके के खाली घर में तेंदुआ घुस गया। डर के मारे लोग घर की छत, बालकनी, सड़क पर आ गए और फिर तेंदुए ने खूब उत्पात मचाया। वन विभाग की टीम पहुंची तो झाड़ियों में घुस गया, जहां उसकी खोज होती रही। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लौटते हैं और तस्वीर लखीमपुर की दिखाते हैं। ये जो पक्षी आप देख रहे हैं, ये उस बाघ के हैं जो लखीमपुर के गांव में दहशत का दूसरा नाम बनकर 10 दिन से घूम रहा है। सुबह के 11 बजे थे जब इस इलाके में गांव वालों ने बाघ की आवाज सुनी। लोग लाठी डंडे लेकर दौड़ निकले, लेकिन बाघ आंखों से ओझल हो चुका था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने वहां पहुंचकर गांव वालों से बात की। जो आप पग देख रहे हैं वो बाघ के हैं, और ये पग देखिए, फिसलता हुआ पग है जो साफ कैमरों में दिखाई दे रहा है। हाँ, जहर सुनी गांव की तरफ भागे। हाँ, उसके बाद जब मामला शांत हुआ तो इधर आए। हाँ हाँ, क्यों भैया? जब वहाँ गन्ना पाती तोड़ रहे थे तो आवाज सुनाई पड़ी एकदम से कि दहाड़ शेर की बड़ी देर से, तो सारी पत्ती पत्ती तोड़ छोड़ छाड़ के गांव भागे भागे। तब यहाँ देखे उसके चिन्ह मालूम हुए, तब आप लोगों को सूचना की। आवाज जो थी वो बहुत ही खतरनाक, बहुत दूर तक सुनाई पड़ी, दहाड़ तगड़ी थी, तेज। यहाँ जितने भी राहगीर है निकलने में उनको बहुत ज्यादा बाधा हो रही है, कहीं इधर उधर से निकल रहे हैं, कहीं साइड से निकल रहे हैं, गिर जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इतनी ज्यादा दहशत फैलाए हुए है। बाघ का पता चल चुका है, वो इसी इलाके में छिपा है। एबीपी न्यूज पर कल ही वन विभाग ने बताया था कि इमलिया गांव के लोकेशन में ही बाघ छिपा है। इस इलाके में उसे पकड़ने की तैयारी हो रही है। इसी एरिया पे हम लोग लोकेट कर लिए हैं कि यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसको पकड़ना जरूरी हो गया है। तो इसके लिए हम ट्रैंकुलाइजेशन का भी परमिशन ले लिए हैं और हमारे डॉक्टर और पूरे स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है और लगातार बनी हुई है। बड़ा सा पिंजरा बुधवार को मंगा लिया गया। हालांकि जानवरों का लालच देने के बाद भी बाघ पिंजरे में फंसा नहीं है। ये वही बाघ है जिसने पिछले हफ्ते एक शख्स को मार डाला था। अब आपको बहराइच ले चलते हैं, यहाँ भेड़िये का आतंक जारी है। कल रात भी कुछ जानवरों पर भेड़िये ने हमला किया, लेकिन अब जो खबर आ रही है, भेड़िये को भी वन विभाग ने लोकेट कर लिया है और सुबह से ही उसकी घेराबंदी की जा चुकी है। इंदिपुर विधानसभा में जंगली भेड़िये का आतंक, देखिए भेड़िया, देखिए देखिए। टीवी स्क्रीन पर बंदूक लेकर पानी को पार करते वन विभाग की टीम की ये तस्वीर उस जगह से आई जहां भेड़िये के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है वन विभाग की शुरुआती कोशिश भेड़िये को जिंदा पकड़ने की है, लेकिन ये कोशिश अगर कामयाब नहीं हुई तो भेड़िये को गोली मारने की छूट है। अब तक 6 में से 4 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, 2 की तलाश है। आदमखोर है तो पकड़े जा रहे हैं और लगभग 4 भेड़िये पकड़े गए, और इससे पहले भी एक घटना यहाँ हुई थी आज के 2002 साल में, और उस समय लगभग 34 लोगों का इंसिडेंट हुआ था, अभी हमारे समय 10 के आसपास है। तो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि आगे प्रभावी कदम रखें। आदमखोर भेड़िया बहराइच के करीब 50 किलोमीटर के इलाके में घूमता है। 2 महीने में 10 लोगों की जान ले चुका है, इसमें 9 बच्चे शामिल हैं। गांव वालों को भेड़िये से बचाने के लिए प्रशासन की टीम लगातार मशक्कत कर रही है। गांव वालों को जागरूक किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हम लोग तैनात रहो, बाकी आपके सुरक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी अधिकारी सब लगे हुए हैं, हर संभव मदद की जा रही है। जल्द ही
भेड़िया कैद कर लिया जाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.